आप लोग सोच रहे होंगे खड़ा होकर के 36वां अध्ययन क्यों नहीं पढ़ा। मैंने शायद आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो उपसंहार है उसको हम खड़ा होकर के पढ़ते हैं। अभी हम चार गतियों में ही हैं, जब हम ऊपर उठेंगे तो वो एक प्रसंग है और इसकी कई बात है, कई पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो बुजुर्ग होते हैं वो खड़े होकर के इतनी देर नहीं रह सकते। और आप में से बैठे बैठे भी सोच रहे होंगे कि पूरा कब होएगा, इतनी देर तक आपको खड़ा रखता है, क्योंकि उधर तेले तेले की भी साधना होती है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि खड़े होके नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ा पाप लग गया। नो नो नो, ऐसा सोचना भी नहीं। महावीर को सामने रख करके पढ़िए, भाव भक्ति पूर्वक पढ़िए। श्रद्धा के साथ पढ़िए, क्योंकि कई जीव ऐसे भी जो खड़े भी नहीं हो सकते, तो क्या उनको उत्तराध्यन सूत्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं। लीजिए, समय बहुत हो गया है, व्याख्या छोटी ही करनी पड़ेगी। आप सभी का ध्यान भी रखना है, मुझे अगर कुछ समय थोड़ा सा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। 35वां अध्ययन, अंगार मार्ग गति। चार लाइनें, चार पंक्तियों में 35वें अध्ययन का सार समझने का प्रयास करते हैं। अंगार बन कर मार्ग में, अंगार मार्ग गति उसकी व्याख्या है। अंगार बन कर मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में, मार्ग के परिशेष है आस्वाद नहीं सत्कार में, शुक्ल ध्यान में लीन रह के, शुक्ल ध्यान में लीन रह के मोह माया पोत जे, मृत्यु समय से देह को संलेखना करके तजे, मृत्यु समय से देह को संलेखना करके तजे। अंगार बन के मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में। अगर हम अंगार यानी घर छोड़ दिया है तो घर को छोड़ने के बाद, अंगार बनने के बाद जो हमारा पथ है, जिसको हम मुक्ति का पथ कहते हैं, जिसे हम साधना का मार्ग कहते हैं, जिसको हम धर्म पथ भी कहते हैं, उस पथ पर केवल आचार में पुरुषार्थ करने से ही गति प्राप्त हो सकती है। आचारवान को ही गति मिलती है। जितना हमारा आचार शुद्ध होता जाएगा, हमारा जीवन का व्यवहार जितना शुद्ध होता जाएगा, भाव में जितनी निर्मलता आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी, जितनी सहनशीलता आती जाएगी, क्योंकि इसको हमारे यहां पर परम पुरुषार्थ कहा है, परम पुरुषार्थ कहा है। देखिए, घर छोड़ना भी पुरुषार्थ है, लेकिन कसायों को जीतना परम पुरुषार्थ है। घर छोड़ना भी पुरुषार्थ है, क्योंकि हर कोई घर भी
नहीं छोड़ सकता है, लेकिन घर छोड़ने के बाद हमारे जीवन में जितने परिचय आते हैं, जितने उपसर्ग आते हैं, जितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, उन प्रतिकूलताओं के अंदर हम संभाव में रहें, ये परम पुरुषार्थ है। हम रस इंद्री को जीत लें, यह हमारा परम पुरुषार्थ है। हम वाणी में संयम रखें, यह हमारा परम पुरुषार्थ है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन के अंदर हलचल ना होवे, ये परम पुरुषार्थ है। नहीं तो हलचल होती ही होती है, क्योंकि हम छद्मस्त हैं और छद्मस्त होने के नाते ये हलचल होती ही रहती है। पर लेकिन गृहस्थियों की बजाय, आगार की बजाय, अनगार के अंदर ये हलचल जितनी कम हो उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। नहीं तो मुझे कभी कभी लगता है आप लोगों से भी ज्यादा हमारे में हलचल हो जाती है। आप तो फिर भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाते हो, कहीं ना कहीं सहन कर जाते हो, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्या हम गृहस्थी से भी ज्यादा गिरे पड़े हैं। वो इतना सहन कर जाता है कितने, और आप लोग कह सकते हो कि गृहस्थियों की तो मजबूरी है, लेकिन बतलाओ साधना पथ पर जिसने कदम बढ़ा दिया है तो साधना को समक्ष रखना यह हमारी मजबूरी नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमारी सचेतता है, हमारी सजगता है, और यही हमारा होश है। और ऐसे होश को बनाए रखना, अगर गलती हो गई है कोई बात नहीं, पर लेकिन गलती को हम स्वीकार करें, और जो गलती हुई है उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म बोलें, जो गलती हुई है कोशिश करें वो बार बार रिपीट, वो बार बार हमारे जीवन में ना दोहराई जाए, ये तो हमें ध्यान रखना ही होगा। और ये ध्यान रखना ही हमारे यहां पुरुषार्थ माना जाता है, क्योंकि ये भी कहा है आस्वाद नहीं सत्कार में। यानी संतों को एक बड़ी भूख लग जाती है, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि हम संत समाज में हैं। जैसे तुम अपनी घर गृहस्थी के बारे में जानते हो ना, ऐसे हम संत समाज के बारे में हम जानते हैं। हाँ, त्याग करने के बाद हमारे अंदर एक बहुत गंदी चीज आ जाती है कि हमें लोगों से सम्मान मिले। क्या मिले? सम्मान मिले। लोग ये कहे धन्यो महाराज। ओह, एक संत ने मुझे कहा था, क्योंकि जब ये श्राव कहते ना धन्यो महाराज, दिल को इतनी तसल्ली मिलती है कि चलो भाई हमने सही काम किया। तो मैंने महाराज से कहा कि ये धन्य हो महाराज, सुनने के लिए आप इतनी कठोर साधना करते हो क्या? ये जो बेले बेले की तपस्या करते हो, मांस खमन की तपस्या करते हो, केवल लोगों से वाह वाह सुनने के लिए करते हैं क्या? हम जो हम इतनी ऊंची क्रिया पालते हैं, लोग ये कहे वाह भाई वाह, बस संत हो तो ऐसा हो, ये सुनने के लिए हम क्रिया पालते हैं, लोगों से सत्कार सम्मान पाने के लिए हम क्रिया पालते हैं। याद रख लेना मेरे बंधुओं, अगर मैं केवल क्रिया इसलिए पाल रहा हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरा सत्कार करें, तो उससे अभिमान घट नहीं रहा बल्कि अभिमान बढ़ रहा है। और अभिमान अगर बढ़ रहा है तो सच कह रहा हूं, जिस दिन तुमने सम्मान देने में कोई कमी रख दी ना, तो एकदम क्रोध भी आ जाएगा। ये बीमारी हम लोगों में, संतों को जल्दी से क्रोध क्यों आता बताओ? नुके जी तुम क्यों, आप कहो जी हम क्यों बोले, अपनी पोल तुम खुद खोलो, हमसे काहे को पूछ रहे तुम? तो बात तो सही कह रहे हो। बताओ तुम्हें, संतों को जो बहुत पैसे वाला आदमी होता है ना, तो उसे अपने पैसे का घमंड आ जाता है। जब भी कोई उसके सामने कुछ ऐसी ऐसी बात कहता है तो वो कहता है हमें मरा हुआ मत समझिए, बेच दूंगा बाजार के अंदर तुझे। वो किस बात पे धोस दे रहा है वो? क्योंकि उसके पास पैसे की
ताकत है, पद की ताकत है, सत्ता की ताकत है। जिसके पास जितना पद जितनी सत्ता रहेगी उसके अंदर उतना ही अभिमान रहेगा, और उसकी कहीं से भी थोड़ी सी अवहेलना हो गई तो तुरंत उसको, तो बताओ जितनी हम ऊंची क्रिया पालते हैं ना उतना हमारे अंदर अहंकार आता चला जाता है, और वो अहंकार तब प्रकट होता है जब कोई श्रावक और श्राविका उसे अनदेखा कर दे। कहा कि कमाल है, हम इतनी कठोर साधना करते हैं, कोई उठता नहीं, कोई बैठता नहीं, कोई सत्कार करता नहीं, कोई वाह वाह करता नहीं, ये बीमारी है हमारे अंदर भी। इसलिए भगवान महावीर ने 22 परिसों के अंदर ये भी एक परिसह रखा, ये भी एक मुसीबत है भैया, सच कह रहा हूं ये, क्योंकि अपमान पचाना तो कहीं आसान हो जाता है लेकिन सम्मान पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सम्मान को पचाना यानी सम्मान पाने के बाद अभिमान ना आए, ये विरला ही लोग हुआ करते हैं, विरला ही विभूति हुआ करते हैं। जैन संतों के अंदर अहंकार इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये मानते हैं कि इस धरती पर हमसे ज्यादा त्याग किसी का भी नहीं है। ये हमारे अंदर कंफ्यूजन घुस गया है कि भाई संत हैं तो हम हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, कोई घूम रहा है, कोई इधर हो रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, हमारे अंदर ये भाव आ जाते हैं। अरे ये भाव हमें नहीं आना, उनको क्यों देख रहे हो, आप हमें देखिए। दूसरे को देख करके अगर हमारे अंदर निंदा के भाव आए हैं तो ये निंदा ऐसे ही नहीं आई है, निंदा के पीछे कुछ और छुपा हुआ है। क्या? बिना अभिमान के कभी भी निंदा आती ही नहीं है, अभिमान होगा तो ही निंदा आएगी, नहीं तो सहजता रहेगी। बल्कि जो कुछ छोटा काम कर रहे हैं, जिन संतों में कुछ गिरावट है, उनके प्रति निंदा के भाव नहीं आएंगे बल्कि करुणा के भाव आएंगे, और उनके लिए एक भाव जगेंगे सद्भाव कि हे परमात्मा इनके लिए मैं ऐसी शुभ भावना भाता हूं कि ये अपने संयम में स्थित हों, अपने नहीं तो ये इसमें भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर परमात्मा है। ये करुणा के भाव आना विनम्रता की निशानी है, निंदा के भाव आना अहंकार की निशानी है। ये सोच लीजिए, क्या ये हमें समझना है। तो हम इस लाइन के अंदर यह भी कहा, सुकल ध्यान में लीन रहकर मोह माया को तजे, क्योंकि सच कहता हूं संतों में अगर सुकल ध्यान आने लग जाए, सुकल ध्यान तो छोड़िए, सुकल ध्यान से पहले क्या है, धर्म ध्यान, धर्म ध्यान यही आ जाए। जब धर्म ध्यान पूर्ण होता है ना तब सुकल ध्यान में प्रवेश होता है, सुकल ध्यान का स्पर्श होता है। पहले धर्म ध्यान तो आवे, नहीं तो हमारे अंदर भी और तो और रौद्र ध्यान, क्योंकि कसायों से दो ध्यान जुड़े हुए हैं, आर्त ध्यान और जिसमें क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, वहां पर दो ध्यान रहते ही रहते हैं। कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और जहां क्षमा है, संतोष है, सहनशीलता है, विनम्रता है, वहां पर धर्म ध्यान रहता है। धर्म ध्यान जब पूर्ण होता है, उसमें जब रस आने लगता है, पूर्णता होने लगती है, तब सुकल ध्यान में प्रवेश होता है। और बिना सुकल ध्यान में आए कोई भी साधक संलेखना को साध नहीं सकता। संलेखना को साधने के लिए ये कहना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन संलेखना के लिए सुकल ध्यान का साथ मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब वक्त आ गया है शरीर को छोड़ने का, शरीर के प्रति
ममत्व छोड़ने का, अपने शिष्य और शिष्याओं के प्रति जो ममत्व है उसे छोड़ने का अब वक्त आ गया है। जब ये ममत्व का बंधन टूटता है, अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति है ये जब बंधन टूटता है, तब जाकर के हमें सुकल ध्यान में थोड़ी सी एंट्री मिलती है। और इस संलेखना में जितना भी हम अहोभाव के अंदर रहें, अहोभाव में, अहोभाव यानी आनंद में रहें, नहीं तो मौत एक ऐसी चीज है, क्योंकि मौत साथ में वेदना भी लाती है, और वेदना में संभाव रखना ये सुकल ध्यान के बलबूते पर ही संभव हो सकता है, वैसे संभव नहीं हो सकता है। इसलिए संलेखना करके ही इस जीवन का अंत करे, ये अंगार मार्ग की गति है। अब बारी है 36वें अध्ययन की। थोड़ा सा हम इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं, चार लाइनें में बोल रहा हूं क्योंकि समय की मेरी सीमा है। आज इतने लोग आए हैं ना, मैं सोच रहा हूं उत्तरा ध्यान के लिए आए हैं, पर लेकिन अब पता चला मंगल, बहुत अच्छी बात है। जीव और अजीव दोनों, जीव और अजीव दोनों लोक के आधार हैं, स्वरूप इनका जानना है ज्ञान का विस्तार है, भेद इनका जान कर, भेद इनका जान कर संयोग इनका हो अलग, भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग, भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग। इस लोक के अंदर जिसे हम लोक कहते हैं, इस लोक का अगर कोई आधार है तो केवल दो ही चीज है, जीव और बस। ये पूरा लोक, संसार की फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, वो जीव और अजीव पर ही टिकी हुई है। और इस फाउंडेशन के बीच में, क्योंकि हम अभी इस लोक के निवासी हैं और इन तीनों लोक के अंदर ही चार गतियां हैं, 84 लाख जीव योनियां हैं इन्हीं तीन लोकों में, इन्हीं तीन लोकों में जीव भी है और अजीव भी है, जहां जीव वहां अजीव, इस तरह की रूपरेखा यहां पर बनी हुई है। तो इसके बीच में यानी जीव और अजीव की इतनी संलिप्तता, इतनी सन्निकटता होने के बाद, एकमेकता होने के बाद, उसमें से जीव को ढूंढना, अजीव को छांटना, यह भेद विज्ञान है। ये बहुत मुश्किल है। ये भेद विज्ञान हमें तब प्राप्त होता है जब हम तपस्या के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, उपसर्ग और परिसहों के माध्यम से जब हम जुड़ते हैं, तब हमें जीव और अजीव का फर्क पता चलता है। इसकी बहुत गहन व्याख्या है, पर इतना कहता हूं कि ये जो जीवा जीव विभक्ति नाम का जो 36वां अध्ययन है, परम आनंददायक है। इसके अंदर पता चलता है, समझ में आता है कि जीव के कितने भेद, अजीव के कितने भेद, अजीव के क्या क्या भेद हैं, जीव के कितने भेद हैं, जीव में क्या क्या समाहित हो गया है, अजीव में क्या क्या समाहित हो गया है। इसकी विशेष व्याख्या तो जब कभी वक्त मिलेगा तभी हम इसका आनंद ले पाएंगे, पर लेकिन आज इतना ही कहते हैं। और कल इस अध्ययन की पूर्णता, उपसंहार हम इसका कल करेंगे।